हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे किसी पॉइंट पर। वो जो स्फेरिकल शेल लेंगे हम, वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, उसकी सर्फेस जो होगी वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। ठीक है, समझिए। यहां पर हम एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, ठीक है, ये एक हमारे स्फेरिकल शेल है, और इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, ठीक है, ऐसा। अब इस स्फेरिकल शेल की वजह से हम तीन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि इसके सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस या क्लोज टू सरफेस। देखो, बिल्कुल सरफेस पर नहीं, सरफेस के क्लोज, सरफेस के बिल्कुल पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जस्ट एट द सरफेस, ठीक है। दूसरा, हम किसी पॉइंट जो कि सरफेस से बाहर है, स्फेरिकल सरफेस से दूर है, वहां पता करने की कोशिश करेंगे, और स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पर पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एट द सरफेस पता करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं स्फेरिकल शेल का रेडियस जो है वो आर है, और पूरे सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहां पर अब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे? तो हम सपोज दैट यहाँ एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, हम एक बहुत छोटी सी एरिया डीएस कंसिडर करेंगे। हमने डीएस एरिया कंसिडर किया, तो उसका जो एरिया वैक्टर होगा इस तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस तरफ होगी। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो इस डीएस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? तो फ्लक्स कितना होगा डीएस के थ्रू, देखते हैं। वो होना चाहिए, और आपको दिख ही रहा है यहां एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? जीरो डिग्री बन रहा है। आप कहीं पर भी ले लीजिए, आप यहां पर एक छोटा सा एरिया, छोटी सी एरिया कंसिडर करिए डीएस, तो उसकी उसके थ्रू जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्म, अवे फ्रॉम द सरफेस होती है ना, सरफेस पर नॉर्मल होती है, सरफेस से दूर होती है पॉजिटिव, तो कितना एंगल बन रहा है? जीरो डिग्री। आप कहीं पर भी डीएस कंसिडर कर लीजिए इस पूरे स्फेरिकल शेल पर, वहां पर जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डिग्री ही बनाएगा। तो ये क्या हो गया? ईडीएस हो गया। पूरे सरफेस से फ्लक्स पता करने के लिए हमें पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरे सरफेस से फ्लक्स पता करने के लिए हमें पूरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मतलब पूरे सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर छोटे सरफेस से ईडीएस फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो पूरे सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये पता करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा यहां पर? आप एक बात मुझे बताओ, आप स्फीयर पे प्रेजेंट छोटी एरिया है आपके पास, उसको इंटीग्रेट करो। आप छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट करो, तो आप जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी एरिया कौन सी मिलेगी? स्फीयर की तो मिलेगी। डीएस एक छोटी सी एरिया प्रेजेंट है स्फेयर पर, तो अगर मैं डीएस को इंटीग्रेट करता हूं, डीएस को बड़ा करता हूं, तो मुझे कंप्लीट एरिया कितनी मिलेगी? मुझे कंप्लीट एरिया स्फेयर की एरिया मिलेगी, और स्फेयर की सर्फेस एरिया कितनी होती है? स्फेयर की सर्फेस एरिया होती है 4πr², ठीक। ये हो गया, ये आ गया फ्लक्स। लेकिन हमें पता है, यहां पर गॉस ने बोला था कि अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज स्टोर है, तो उसके थ्रू हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कितना चार्ज स्टोर है। तो एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, अगर आप इस मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अगर आप उसको देखोगे, ये हमारा क्या है, स्फीयर पर प्रेजेंट चार्ज है, और इसके थ्रू जो फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, हर डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसी होंगी ना, ऐसी फील्ड लाइंस होंगी। अगर जितना चार्ज हमने हमने मान लेते क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट करा है, कितना किया है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर यही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं सेंटर में रखता, तो इससे क्या फील्ड लाइंस वैसी नहीं निकलती जैसी पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फैले हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही, पैटर्न वही नहीं है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि चाहे चार्ज सेंटर में रखा हो स्फीयर के, चाहे उसी चार्ज को आप पूरे स्फीयर के सरफेस पे फैला दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर इस क्यू चार्ज को मैं पूरी सरफेस पे फैला दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न्स बन रहा है,
और वही क्यू चार्ज अगर मैं स्फीयर के अंदर रख दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बन रहा है वो सेम बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर हमें एक अजम्पशन करनी है, हम मानेंगे जितना भी चार्ज स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहां पर है, वो सेंटर में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ये जो टोटल चार्ज जितना भी स्फीयर के सरफेस पर है उसको हम मान लेंगे कि वो कहां सिचुएटेड है, स्फीयर के सेंटर पे, क्योंकि ये जो चार्ज है वो स्फीयर के सेंटर में रहकर वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जैसे कि अगर हम उसे पूरे सर्फेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते, जैसा तब करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस, वैसे ही जब उसको सेंटर में रखेंगे तब भी वो वैसे ही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि जो टोटल चार्ज जो सरफेस पर है वो कहां सिचुएटेड है, उसके सेंटर में। तो उस अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा स्फीयर से, जो फ्लक्स होगा या जो फील्ड लाइंस होगी, जो फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं वो कितनी निकलेंगी, चार्ज कितना इनक्लोज हो गया है, क्यू चार्ज इनक्लोज है, तो फ्लक्स क्या होगा यहां पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे ऐसे, बात सेम है, दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सरफेस के क्लोज, देखो बिल्कुल सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से निकलती है। तो इस पॉइंट पर मतलब जहां सरफेस पे या सरफेस के बिल्कुल क्लोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। इसको हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन एरिया। तो ये क्यू चार्ज पूरी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी एरिया कितनी है, 4πr², तो चार्ज कितना है फिर, सिग्मा इंटू 4πr². तो यहां से हम पुट करते हैं चार्ज की जगह पर, जब हम ये सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 4πr² कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो सरफेस की, सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये एट द सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस की हमने बात करी है। ठीक है, किसी भी चार्ज स्फीयर स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होगी वो कितनी होगी, तो ये दोनों फॉर्मूला आपके सामने, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं वही स्फेरिकल शेल है और वैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर और हम सरफेस से दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। ये रेडियस आर हो गया और सरफेस से दूर कोई पॉइंट है आर, वहां पर हम देखना चाहते हैं, सेंटर से कोई आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे यहां पर अब हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, एक इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर कंसिडर करेंगे और उस स्फीयर पे वो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है वो उसको हम मान लेंगे वो जो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इस गॉसियन स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, गॉसियन स्फीयर का पार्ट है। तो कैसे निकालेंगे अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, यहां पर एक छोटी सी एरिया डीएस मान लेते हैं। तो यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एरिया वेक्टर भी कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा इस छोटी सी एरिया से फ्लक्स कितना होगा ई डॉट डीएस, और यहां पर एंगल कितना बनने वाला है, जीरो। आप देख ही रहे हो जीरो डिग्री बन रहा है, एन जिस तरफ उसी तरफ ई है, कहीं पर भी कंसिडर करोगे जीरो डिग्री ही बनेगा ई डॉट डीएस। ये छोटी सी एरिया से आया, अगर पूरी एरिया से फ्लक्स निकालना है, पूरी गॉसियन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी स्फीयर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो फ्लक्स कितना आएगा,
अगर मैं इस ds को इंटीग्रेट करूंगा तो ये गॉसियन सरफेस की पूरी एरिया आएगी, गॉसियन स्फीयर जो हमने माना है ये पूरी एरिया आ जाएगी, तो वो पूरी एरिया कितनी होगी, तो गॉसियन स्फीयर की एरिया क्या होती है 4πr2, रेडियस कितना है इस गॉसियन स्फीयर का 4r है, तो एरिया कितनी आएगी 4πr2 आएगी। अभी वही चीज है, अगर चार्ज सरफेस पर है तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, अगर चार्ज वही सेंटर में रख दिया जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो सेम होगा, अगर चार्जेस सरफेस पर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बिल्कुल वैसे ही निकलेंगी जैसे अगर चार्ज को हम स्फीयर में रख दें तो वैसे ही निकलेंगी। तो यहां मान लेते हैं सारा चार्ज यहां सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो यहां पर जब सारा चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एरिया, तो सरफेस की एरिया कितनी है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 4πr2, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया 4πr2 × q। ठीक है, अब यहां पर देखो चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं चाहे मैं फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज करूं, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों फॉर्मूले से फ्लक्स सेम आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वन एंड टू को इक्वेट कर देते हैं, वन एंड टू को इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ठीक है ये आ जाएगी। लेकिन अगर हम चार्ज को, ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन अगर हम चार्ज की जगह पर उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4πr2 / 4πr2 ε0, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ये जो फॉर्मूला बन के आया वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² / r² या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r / r² होल स्क्वायर। मतलब कि जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। आप देखो ना, r बढ़ते चले जाएंगे ये पूरा फैक्टर छोटा होने लगेगा और ये छोटी वैल्यू पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने लगेगी, छोटा करने लगेगी। तो यहां पर जैसे जैसे हम सरफेस से दूर चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये r बड़ा होता चला जाएगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी या कमजोर होने लगेगी स्फीयर से दूर। तो ये आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा, स्फीयर से बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्फीयर के सरफेस से दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला निकल के आ गया। आप दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। लिख लीजिए इसको, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए फिर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो तीसरा पोजीशन है जो कि स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर अब हम लोग ना स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर, मान लेते इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो अगर हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाएं, गॉसियन स्फीयर बनाएं चारों तरफ, तो क्या इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, तो अभी तक आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, जो भी सरफेस पे चार्ज है उसको हम सेंटर में मान सकते हैं कि वो सेंटर में सिचुएटेड है, यही कहोगे हाँ बिल्कुल है, मैं कहूंगा नहीं ऐसा नहीं। देखिए जब हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे या सरफेस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट था, तो जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है तो हमने उस चार्ज को सेंटर में मान लिया था, या सरफेस से दूर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो सरफेस से दूर जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम करी थी उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट था, तो अगर अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज को हम कहीं पर भी मान लें, अंदर कहीं पर भी है वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो ना यहां गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज है ना सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं। कहोगे सर नहीं स्फीयर के सरफेस पर तो चार्ज, उसको सेंटर में मान तो सकते हैं। देखो
मान सकते हैं, वो मान क्यों रहे थे उसका मतलब समझो। जब स्फीयर के सरफेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी, मतलब स्फीयर के सरफेस से फील्ड लाइंस निकल रही थी, समझो मेरी बात को। और हमने माना था कि चार्ज सेंटर में, तो जो उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी बिल्कुल वैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, सेम निकलेंगी, चाहे हम सेंटर में चार्ज मान लें चाहे सर्फेस में मान लें। तो हमने सर्फेस पर जो चार्जेस थे वो सेंटर में मान लिया था। और अगर स्फीयर से दूर किसी पॉइंट पर हम देख रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो चाहे सरफेस से फील्ड लाइंस निकले चाहे सेंटर से निकले, बात सेम है। तो हमने मान लिया था सारा चार्ज सेंटर में, वैसे ही फील्ड लाइंस निकलेंगी जैसे सरफेस पर होने पर निकलेंगी। तो जो हमारा अजम्पशन था वो भी मतलब क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था हमारे सिचुएशन। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, यहां पर बताओ आप मेरे को, अब आप मेरे को यहां बताओ, क्या यहां पर कोई सरफेस पर चार्ज है? क्या गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज है कि मैं यहां चार्ज है तो सेंटर में उसको मान सकता हूं? नहीं है। तो गॉसियन सरफेस के लिए जो इनसाइड द स्फीयर है, गॉसियन सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं है ना, उसके अंदर कहीं कोई चार्ज है, चार्ज जीरो है। जब चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या होता है किसी भी सरफेस के थ्रू? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो तो फ्लक्स जीरो। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है ई इंटू डी एस, या ई एस लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली, ई एस, ES लिख लेते हैं। तो यहां पर फ्लक्स ही जीरो है। देखो सरफेस एरिया तो है भैया, ये गॉसियन सरफेस उसकी एरिया तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए फ्लक्स जीरो। तो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, कोई फील्ड लाइंस नहीं होती, कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होती अगर चार्ज स्फीयर की सरफेस पर है। अगर चार्ज स्फीयर की सरफेस पर सिचुएटेड है तो कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होती। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया है। एक ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, वो ग्राफ हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस हमने क्या मानी है, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर मानी। तो अभी हमने देखा स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक, मतलब जब तक मैं स्फीयर के अंदर हूं तब तक मेरी, ये मेरा डिस्टेंस है आर और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब तक मैं स्फीयर के अंदर रेडियस कितना भी बढ़ा लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी, मतलब ये ऐसे चलेगा, इस एक्सिस पे ऐसे चलेगा, ये ओरिजिन ऐसे चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस पर आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पर चली जाती है। और जैसे ही फिर सरफेस से दूर जाने लगता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है, घटने लगती है। फॉर्मूला याद करिए स्फीयर, देखिए एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। जब ये कैपिटल आर, यानी जो ये आर है वो आर के बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये होगा वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आ रहा था एट द सरफेस वाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दूर जाएंगे आर बढ़ने लगेगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी होने लगेगी। ये ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, स्मॉल होने लगेगा, कम होने लगेगा, वीक होने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जैसे से आर बढ़ता चला जा रहा है सर्फेस से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रही है, डिक्रीज होने लग रही है। तो ये ग्राफ है स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए और इसको बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये, कई बार ये ग्राफ पूछा गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा चैप्टर वन कंप्लीट होता है। अभी एक सेशन हम और लेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने के बाद हमारा चैप्टर वन पूरी तरीके से हो जाएगा, फिर हम चैप्टर टू की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।